आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनते हैं नाटिका महफिल मोहब्बत के मारों की। इसे विजय अमरीश ने लिखा है, निर्देशक हैं सुमन कुमार। खामोश भाइयों, खामोश, शांत रहिए, प्रशांत रहिए और आशिक आजम बे दिल वाला का सलाम कबूल कीजिए। हाँ तो भाइयों, मोहब्बत के मारों की इस महफिल में मैं सभी हमदर्द, बेपर्द, राहे गर्द, दिले सर्द और सूरत सरदर्द का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मोहब्बत की मार से बीमार होने के बावजूद यहाँ तशरीफ लाने की मेहरबानी की है। तो दोस्तों, अपने टूटे, चनके, पिलपिले, अच्छिले दिल को थाम कर बैठिए क्योंकि आपकी इस महफिल की रौनक बढ़ाने आ रहे हैं प्रेम रगनी की राह वफा के बर्फीले शायर आजम, चू चपर चकना चू। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हैं ताली बजाना बंद कीजिए। रस में ताली मोहब्बत के मारों की इस महफिल में एक भद्दी गाली है। इस जमाने में बात बात पर ताली बजाई जाती है, बात बन जाए तो ताली, ना बने तो ताली, किसी की जीत पे ताली तो किसी के हार पे ताली। इश्क की आंधी हमारा दिल उड़ा कर ले गई, हम गिरे ऐसे की सारा जिस्म चकनाचूर। खामोश भाइयों, खामोश। साहेबान, हाजरीन, नाजरीन, तमाशबीन और कौड़ी के तीर, आप लोग शांति बनाए रखें। हम शायर आजम चू चपर चकना चूर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आज के महफिल की सदारत करें। आइए चकनाचूर साहब, अरे इस जगह तशरीफ रखिए। अल्लाह परवरदिगार। हाजरीन, आज की इस महफिल में बहुत से टूटे दिल वाले और दिलवालियां शायर और शायरा तशरीफ लाए हैं जिनमें कुछ खास नाम हैं, जैसे शायरा मदहोश मस्त मस्त, बेहोश दारू वाला, शायरा चंचल नैना चाकू वाली, महाकवि प्रेम रस चन का प्याला और कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती। हाय क्या नाम है, कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती। तो आइए मोहतरमा, गम में डूबे हुए दिलों को अपने करंट के झटके से फड़फड़ा दीजिए। झटका लगा के दिल को अब टटका बनाइए, लोटे नुमा ये चेहरे को अब मटका। अरे मोहतरमा ये क्या बक रही हैं आप, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी मरियल मोहब्बत की अड़ियल दास्तान मत सुनाइए। हाँ, हमारी महफिल में जानी मानी हस्तियां आई हैं, उनसे सुनिए दर्द दिल की दास्तान। हाँ तो सबसे पहले आपके सामने आ रही हैं शायरा मदहोश मस्त मस्त। आइए 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 मोहतरमा। कहाँ है माइक, कहाँ है माइक? यहाँ है, आपकी आंखें तो दुरुस्त है ना? पहले दुरुस्त थी पर अब आंखें लड़ा लड़ा कर कमजोर हो गई है। जरा मेरा हाथ थाम लीजिए। पर आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? एक बची है। मतलब? मेरे महबूब बड़ी मुश्किल से बसाया है। दोस्तों, अजीजों, लजीजों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के जमाने में अपनी माशूक को अपनी आंखों में बसाना कितना मुश्किल है। सच, सच, तो अर्ज है आसान नहीं है अब आंखों में बसाना, हम किसको सुनाए अपने दिल का फसाना। अरे भाई खामोश रहिए, खामोश रहिए, पहले इनकी बात तो सुनिए। साहिबान, खुदा का शुक्र है कि आंखों के तंग दायरे से वे सब खुद ब खुद ही दफा हो गए। बस एक को आंखों में जकड़ रखा है, इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद किए रहती हूँ। भाई तो फिर आंखें बंद ही रखिए,
डूबी रहिए मोहब्बत की मस्ती में। जरा सब्र तो रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। हाँ, जो दिल फेक हैं वो अपने अपने दिल को जेब में रख कर उकड़ू बैठ जाएं, क्योंकि आपके सामने आ रही हैं चंचल नैना चाकू वाली। हाय, क्या नाम है चंचल नैना चाकू वाली। कैसी है जंगेश की, लड़ते तो है सभी, कहते हैं हाय मर गया, मरता नहीं कोई। आप बात बात पर सिसकियां क्यों ले रही हैं? आप बेखौफ अपना शेर पढ़िए। नैनों के तीर चलते हैं, चुभते हैं जिगर में, हाय हाय बहता नहीं है खून, तड़पता नहीं है। अरे आप नाहक सिसकियां लेती हैं। जिस जमाने में लोग मोहब्बत के माने नहीं जानते, उल्फत के उसूल नहीं मानते, प्यार की पुकार नहीं सुनते, अब उस जमाने में आप सिसकियां लेती हैं? नहीं जनाब, ये सिसकियां नहीं, दर्जनों आशिक की बेवफाई की धुन में पिरोई दिल तोड़ी राग है। अच्छा, आप तो जानते हैं कि इस जमाने में ना तो वफा है ना जान कुर्बान करने की रस्म। ठीक कहती हैं आप, ठीक कहती हैं। चंचल नैना चाकू वाली, इस जमाने में तो किलो के भाव से मोहब्बत है बिक रही, सस्ती है मगर फिर भी कोई खरीदार नहीं। ठीक कहा बेदिल साहब ने, पहले के जमाने में आशिक माशुका पर जान छिड़कता था, पर अब तो ये हाल है कि वो माशुका के जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देता है। तावा, 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 तावा। इन दिनों दिलों की चोरी और सीना जोरी दोनों बढ़ रही है। हाय, सवा महीने पहले मेरी भी दिल की चोरी हो गई, लाख कोशिश की अब तक नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं बच्चों। एक आशिक अपनी महबूबा के लिए चांद सितारे तोड़ने निकला था, टांगे तोड़वा कर अस्पताल में पड़ा हुआ है। अपनी महबूबा की गलियों का फेरा लगाने वाले एक आशिक को उसकी महबूबा के कुत्ते ने ऐसा काटा कि उसे 14 दुनिया 28 सुइयां लगवानी पड़ी है। अरे रे रे, ये तो मोहब्बत का मजाक है। इसलिए तो मैंने सबक सिखाने के लिए हाथ में चाकू उठा लिया है। अरे बाप रे। खुदा की फजल से अब तक मेरे एक दर्जन आशिक कब्रिस्तान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्ज है, कुछ थे आशिक आ हवाले, आह भरते मर गए, चाह वाले तंग आके रोते धोते घर गए। खामोश भाइयों, खामोश। चंचल नैना चाकू वाली का आपने कमाल देखा, आप उनके करिश्मे से वाकिफ हुए। अब मोहब्बत के मारों की इस महफिल में प्रेम का रस टपकाने आ रहे हैं महाकवि प्रेम रस चन का प्याला। हाय, क्या नाम है, मगर प्रेम रस से भरा प्याला चनक कैसे गया। बताता हूँ। बताइए। हे भग्न हृदय प्रेम पीड़ित मेरे मित्रों, इस नूतन युग में प्रेम तत्व से अपरिचित प्रेमिकाओं की प्रेम लीला ने समस्त प्राणियों को अजगर की भांति ली लिया है। मेरे मोहल्ले के 125 प्राणी अपनी प्रेमिकाओं के रूप ज्वाला के तीक्ष्ण प्रकाश को देख देख कर अंधे हो गए हैं। सबसे बड़ी व्यथा कथा तो ये है कि अपने अंधे प्रेमियों को तड़पता छड़पता छोड़ इन प्रेमिकाओं ने अपना घर दूसरों के दिलों में बसा लिया है। मैं भी अपनी प्रेमिका की निष्ठुरता से इतना व्यथित पीड़ित हूँ कि वियोग के अग्नि से मेरे हृदय के प्रेम रस का प्याला स्वतः चला गया। हाय 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 हाय, बहुत दारुण व्यथा है आपकी। अब छलका डालिए अपने हृदय के चन के प्याले का प्रेम रस इस महफिल में। तो प्रस्तुत है चौपाई। ये चौपाई क्या होती है? अरे भैया, जब हृदय की चारपाई मोहब्बत के भार से चरमरा कर टूट जाती है ना, तो चौपाई यानी चौपाई बनती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, तो सुनाइए अपनी चौपाई। तो लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है प्रेमिका व्याख्या। प्रेमिका जो हुए रहे वही प्रेमिका होए,
सुख में वो संग संग हसे, दुख में संग संग रोए। लेकिन प्रेमी सज्जनों, प्रीत की रीत ही बदल गई है ना, इसलिए मेरी ये पंक्ति है। बदल गई सब रीत, प्रीत की टूटी डोरी, मैचिंग प्रेमी चाहे है कलियुग की छोरी। खामोश भाइयों, खामोश। अब मोहब्बत के मारों की महफिल में तशरीफ ला रही हैं कुमारी करंट किशोरी बिजली बत्ती। तो अर्ज है प्यार का वोल्टेज बढ़ा तो सह न पाए लोड वो, दिल जला पावर घटा दम नहीं था बोल में, बल्कि मानी जगमग थे जो आंखों में मेरे, फ्यूज से लटके हुए है मेरे दिल की। हुस्न का करंट हो और इश्क का मजबूत वायर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दिल में लाइट हो, दोनों पॉजिटिव रहे तो फ्यूज होगी जिंदगी, दिल का मीटर ठीक हो और उसके पुर्जे टाइट हो। भाइयों, कुमारी करंट किशोरी जी के ख्यालातों पर अमल कीजिए और अपने धड़कते दिलों को प्यार की हवा दीजिए। प्यार की हवा मुझे दीजिए ताकि मेरे चकनाचूर जिस्म को राहत मिले। मुझे उठाइए जनाब, सहारा दीजिए, मुझे माइक के सामने खड़ा कीजिए। अरे पर अभी इस महफिल में और भी शायर मौजूद हैं, उनकी बातें तो सुन लीजिए। नहीं, पहले मेरी बातें सुनिए। अरे आप इस महफिल की सदारत कर रहे हैं, इसीलिए मेरा हुक्म है पहले मुझे बोलने दिया जाए। बोलने दीजिए, लगता है कुमारी करेंट किशोरी जी के इश्क के झटके ने इनके जिस्म में जान डाल दी है। शीशे दिल है हमारा वो है पत्थर के सनम, उनसे दिल टकरा के यारों हम तो चकनाचूर। अरे अरे ये क्या हुआ, अरे दौड़िए आप लोग दौड़िए। अरे आइए चंचल नैना चाकू वाली, अरे मोहतरमा मधोश जी, अरे कुमारी करंट किशोरी। अरे ये तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, फिर तो इन्हें झटका लगाइए करंट किशोरी जी। हटिए हटिए आप लोग, अरे इनकी तो नब्ज डूब गई। नब्ज डूब गई, तो डूबने दीजिए नहीं, दिल की धड़कन बढ़ाइए। मगर इनके दिल की धड़कन भी बंद है। अरे लगता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मोहब्बत के मारों की इस महफिल के सारे इंतजाम का खर्च उन्हें ही उठाना था। अब आप उठाइए, हम तो चले। महफिल मोहब्बत के मारों की ये नाटिका भी आपने सुनी। लेखक विजय अमरीश, निर्देशक सुमन कुमार, प्रस्तुति आकाशवाणी के पटना केंद्र की।